ये उन दिनों की बात है। अरे नैना, कहाँ रह गई थी बेटा, इतनी देर लगा दी? वो चाची जी, मैच की वजह से ना सारी दुकानें बंद थी, कुछ खुला ही नहीं मिला, इसलिए। चाची जी सब लोग कहाँ गए? अरे भाभी जी के घर पे, कह रही है भारत के जीतने का जश्न वही मनाएंगे। अब तू बता, मतलब हार जीत किसकी और परेड किसकी लग रही है? अच्छा तू हाथ मुंह धो के जल्दी से आ जा, भूख लगी होगी ना, सुबह से ऐसी खाली पेट घूम रही है। अरे बेला, पकौड़ों का क्या हुआ? आए भाभी जी। तू जल्दी। अपने अनवैक्स्ड पैरों के दिख जाने की शर्म न दिल से जा रही थी और न दिमाग से। मैंने तो ठान लिया था कि खाल निकले या ना निकले, पर पैरों के बाल तो जरूर निकलेंगे। आखिर समीर पर बिजली जो गिरानी थी। कैसे लगता है? क्यों मस्त उल्लू बनाया उस सफारी सूट को? अरे पोंगा पंडित, अगर ये उसे उल्लू नहीं बनाता तो वो इसे मुर्गा नहीं बना देता। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा तमीज से बात करो। होने वाले ससुर जी हैं वो मेरे। अरे ससुर को मारा गोली। ये बता बाइक की सवारी कैसी रही? मजा तो बहुत आया होगा। बहुत मजा आया। अरे यार मजा क्यों नहीं आया होगा? भैया आगे, भैया पकड़ें, भाभी पीछे, दोनों एक साथ हवा में उड़ते हैं। भैया भाभी को हनुमान जी है जो हवा में उड़ रहे होंगे। अरे हवा में तो इनके बाल उड़ रहे होंगे, बाल।
हाँ यार, भाभी के बाल इसके चेहरे पे, भैया के बाल तो वैसी रेशमी। आय हाय, क्या नजारा होगा। भाभी अपने बालों को संभाल रही होगी ऐसे, और भैया शीशे में देख के अपने बालों में उंगलियां घुमा रहा होगा ऐसे। बस करो ये बाल बाल, हम कोई और बात भी कर सकते हैं ना। अरे यार भड़क क्यों रहा? हाँ यार, हमने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। बस भाभी के बालों की तारीफ ही तो कर रहे थे। अब एक बार और बालों की बात करिए ना तो। लगता है ऐसे बाल तोड़ हो गया है। वैसे तो हीरोइनों के बालों पर न जाने कितने गाने बनते हैं, लेकिन उस दिन मुन्ना पंडित के मुंह से बाल शब्द सुनके मुझे नैना की जुल्फे नहीं बल्कि उसके पैरों के बाल याद आ रहे थे। लेकिन मुन्ना पंडित को मैं ये बात नहीं बता सकता था, क्योंकि ये बात नैना और मेरे बीच की थी, प्राइवेट और पर्सनल। तो आई नहीं तुझे, एवे शेव करने का मन कर रहा है? प्रीति, मैं शेव क्यों करूंगी? ये क्या है? देख लिया समीर ने। हाय हाय, ऐसा क्या कर रहे थे तुम लोग जो जीजा जी ने? बाइक पर से गिर गए थे। प्रीति, मेरी इतनी बेइज्जती हो गई और तुझे हंसी आ रही है? क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है, मेरी नैना सुनैना बनना चाहती है। तू जैसी गोरी गोरी मखमली पैरों वाली है ना? हाँ, तो और क्या करूं? पता है समीर का मुंह ना ऐसा हो गया था जैसे जैसे बाल ना मेरे पैर पे नहीं उसके खाने में हो। हो ही नहीं सकता, मेरे जीजा जी ऐसे नहीं है। तू ना फालतू में बाल की खाल निकाल रही है। प्रीति प्लीज प्लीज, कुछ भी बोल ले, कोई भी मुहावरा बोल दे, बाल की बात मत कर। बाल का नाम सुनते ही ना खुद से नफरत होने लगती है। प्रीति तुम मेरी हेल्प कर, लगा इसे। तू पागल हो गई है? तूने पापा की दाढ़ी कभी नहीं देखी है? घोड़े के बालों की तरह है। अगर तूने ये रेजर मार लिया ना तो तेरे बाल भी वैसे ही आने लगेंगे। अभी तुझे समीर का देखना चुभ रहा है, फिर समीर को तेरे बाल चुभेंगे। और इससे पहले कि पापा को पता चल जाए कि उनका रेजर गायब है, ये जाकर वापस रख दे। चल चल। एक तरीका है, ब्यूटी पार्लर चलते हैं। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है, ब्यूटी पार्लर चलते हैं। फिर ताई जी को पता चल जाएगा तो वो मेरे पैरों के बाल के साथ साथ मेरे सर के बाल भी उड़ा देंगी। ब्यूटी पार्लर चलते हैं। पूजा दीदी भी मंदिर गई हुई हैं, वरना वो कुछ ना कुछ अब जरूर कर देती। मैंने ना एक बार देखा था शेफाली को उसकी पैरों के बाल उठाते हुए, वो कुछ चवन परार जैसी चीज थी, उसे सब गर्म करके चाकू से जैसे ब्रेड पे जैम लगाते हैं ना वैसे लगाओ, फिर पतला सा कपड़ा लेके उस पे से रखो और फिर खटाक से खींच दो और मैदान साफ। चल कहाँ? तो चल चल। प्रीति यहाँ तो बहुत लोग हैं, चल ना। क्या चाहिए आपको? अरे नैना प्रीति, तुम लोग यहाँ पे? नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। बेला बहन और पूजा नहीं दिखाई दे रही? वो बाहर होंगे। बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? ये लो भाई, मेरे खुले पैसे, सामान दे दो। वो चाहिए जो होता है ना वो,
मतलब अरे बोलिए भी, क्या चाहिए आपको? वो होता है ना जो, अच्छा मैं समझ गया, एक मिनट। ये लीजिए। नहीं नहीं ये नहीं, हमें तो वो बोलना, वो अरे वो जो होता है वो, अरे ये नहीं वो नहीं ये नहीं, आखिर चाहिए क्या? कुसुम देखो उन्हें क्या चाहिए। हाँ जी क्या चाहिए? वो जो होता है ना जो बालों को, बंटी बाल लंबा करने वाली तेल की शीशी लाकर दो इन्हें। नहीं 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 वो नहीं, और कितने लंबे करूंगी बाल, वो जिससे बालों को हटाते हैं, वो चवन ब्रश जैसा। सीधा सीधा बोलो ना, वैक्स चाहिए। बंटी एक वैक्स का डब्बा लाकर दो इन्हें। हाँ वही, ये ले। ये लीजिए। एक पुराना अखबार मिलेगा। आज मम्मियाँ खुद अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर ले जाती हैं, पर उन दिनों ब्यूटी पार्लर जाने वाली लड़कियों को मॉडर्न नहीं बेशर्म समझा जाता था। हम आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल और उससे जुड़ी हर परेशानी को इतना बड़ा बना लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि कितनी चीजें हैं जो इस मॉडर्न लाइफ ने आसान बना दी है हमारे लिए। अब किसी को काली घाटी के पीछे छुपाए हुए सोने की तरह एक वैक्स का डब्बा घर में स्मगल नहीं करना पड़ता। अरे रुक 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 रुक, अरे रुक 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 यार, क्या हुआ? अरे वहां जाना है मुझे। क्यों? हीरो कटिंग वाला, बे छेनू के छेने, तुझे यहाँ क्या काम पड़ गया? हलवा खरीदना है मुझे। अबे बाल कटवाने की दुकान पर आदमी क्या करता है? बाल कटवाता है ना, दिख नहीं रहे मेरे बाल। सॉरी सॉरी हेयर्स, हेयर्स कटवाने हैं मुझे। खुश हेयर्स नहीं, हेयर बोलते हैं। हेयर्स हेयर्स यानी, अरे छोड़ ना मुन्ना, तू करेगा क्या बा? हेयर्स कटा के अपना अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, हाँ सबके लंबे लंबे बाल। अरे मैं तो समझता हूँ, हाँ वही है, तू तो करेगा क्या? अरे मैं तो समझता हूँ, मेरी मम्मी नहीं समझती है, कहती है अगर घर में बिना हेयर्स कटवाए घुसा ना तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। तो यार इतनी मेहनत से इतने लंबे हेयर्स किए हैं, तो इन्हें कटवाने पे कितना जोर पड़ रहा है मुझ पे पता है? नैना से बात कर लेता हूँ। क्या बात करूंगा, कुछ ना कुछ बात तो कर ही लेता हूँ। अरे चलना है यार, अब तुम लोग चलो मैं आता हूँ। आ जा, तेरा हेयर से कटवाऊंगा पहले, फिर मैं अपने कटवाऊंगा। हाय शिफाली। हाय अर्जुन, कैसी हो तुम? अब कल से कम है थोड़ा दर्द। I'm sorry, शिफाली, मुझे कल तुमसे वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, और फिर मुझे पता भी नहीं था ना कि तुम लड़कियों को इन दिनों इतनी प्रॉब्लम होती है, और पता भी कैसे चलता, ना ही घर पे किसी ने इस बारे में कोई बात की और ना ही स्कूल में कभी किसी ने कुछ इस बारे में पढ़ाया। और हाँ वो हिस्ट्री का चैप्टर है ना पानीपत की जंग वाला, वो जरूर पढ़ना। हाँ जरूर पढ़ लूंगी।
और एक और बात शिफाली, तुमसे साफ साफ बोल दिया था ना मुझे, मेरा मतलब आखिर एक लड़की के मुंह से ये सब सुनना। फिर अर्जुन, ये सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों को होती है तो लड़की ही खाएगी ना। तुमने साइंस के नोट्स रेडी कर लिए क्या? अगर रेडी हो गए तो प्लीज मुझे शाम को दे देना। हाँ, मैं फोटोशूट करा के दे दूंगा तुम्हें तुम्हारे नोट्स। अच्छा ओ शेफाली, तुमसे ना एक रिक्वेस्ट थी, तुम ना इसे अगली बार एकदम से डायरेक्ट मत बोलना। मेरा मतलब है कि एक हिंट दे देना छोटा सा, मुझे पता लग जाएगा, समझ रही हो ना तुम? मतलब ऐसे एकदम डायरेक्ट बोलना ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ओके, अगली बार से घूंघट ओढ़ के शर्मा के ये कहूंगी कि अर्जुन मुझे मंथली हो रही है। क्या कर रही हो? थोड़ा धीरे बोलो ना, किसी ने सुन लिया तो तुम ऐसे क्यों अर्जुन? अच्छा शिवाली सुनो, तो मैं तुम्हारे लिए वो मैगजीन में पढ़ा था मैंने, इन दिनों लड़कियों को चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है ना, इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूं। तुम ऐसे क्यों अर्जुन? पहली बरखा जैसी मीठी पुरवा जैसी स्पर्श तेरा पाया है। अर्जुन भैया, ताई जी की साड़ी में इस्त्री होए, ले जाओ। हाँ ले जाऊंगा। पैर में अब दर्द तो नहीं है ना? नहीं ठीक है। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? नैना प्लीज तुम इतना मत सोचो, वो बाल बच गए आज हम, वरना तुम्हारे पापा ने तो आज हमें पकड़ ही लिया था। वो हाँ, मुझे लगा कि क्या? कुछ नहीं। नैना देखो तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम जैसी भी हो ना बहुत अच्छी लगती हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो आज तुम बाइक से गिर गई थी ना, तो मुझे लगा कि तुमसे पूछ लूं फोन करके तुम्हारे पैर में दर्द है या नहीं। फोन करते पहला सवाल यही पूछा था तुमने। हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैंने सवाल किया था तुमने जवाब दिया था कि तुम बिल्कुल ठीक हो अब। ओके बाय। समीर क्या पूछ रहे थे उससे? मैं भी ना बहुत स्टुपिड हूँ। क्या लेना है आपको? वो मैं उनसे मांग लूंगा। ऐसा क्या चाहिए आपको? जो चाहिए बता दीजिए। नहीं वो मैं जेंट्स है ना, वो उनसे ले लूंगा। वो बिजी हैं, आपको जो चाहिए मुझे बताइए। एक्चुअली वो वो होता है ना जो लड़कियां अपने बाजू में और पैर पे लगाती हैं, वो मेहंदी। अरे मैडम, इसे मेहंदी के साथ साथ बिंदी लिपस्टिक और लाली पाउडर भी दे देना, अच्छा लगेगा। यार यहाँ की लग रहा है कि यार एक चीज बहुत गलत हो गई। क्या कर दे,
टोटल ना इंसाफी। मिस फ्रेशर का अवार्ड ना सुनैना को नहीं, इसे मिलना चाहिए था। छोड़ ना यार प्रियांक, क्यों किसी बेचारी लड़की को परेशान कर रहा है तू? हाँ तो अब क्या कह रहे? अरे ये क्या बोलेगा। कुछ चाहिए था ना आपको? कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग ने बाल नहीं कटे अभी तक? हाँ यार नंबर लगा रखा है। हे पजामा ब्रांड, अबे तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ब्यूटी पार्लर जाओ, बगली में तो है। आज तुम बोलियो वरना तेरी मुंडी पागल में देखने का तम नहीं। कितना टाइम लगेगा बॉस? शेव कराना है। इनके बाल काटने के बाद में आपका शेव करूंगा, आप बैठिए ना बॉस। अरे इस बच्चे से बोलो कि किसी बड़े को साथ लेके आए, इसकी मम्मी को, क्योंकि बच्चे ना बाल कटाते कटाते बहुत रोते हैं। ओए मम्मी मम्मी। मुझे लग रहा है ना जूते खाके मारेंगे। मैंने देना कार्तिक यहाँ जूते खाने नहीं आया, वो तो यहाँ शेव कराने आया। बेचारा तो सर के बाल शेव कराने आया। कर दीना ब्रांड वाली बात। अबे बच्चों पता भी है कि शेव किसे कहते हैं? अरे इन्हें क्या पता होगा, ये तो भी चिकने घड़े हैं चिकने। अबे आदमी गाड़ी से नहीं दाढ़ी से मर्द बनता, दाढ़ी से समझे? चलो भाई बढ़िया से शेव करना। शुभ हो जाओ भाई। बाल का कमाल। जी हाँ उस दिन बाल ही थे जिन्होंने मुझे और समीर को परेशान कर रखा था। कहाँ थोड़ी देर पहले वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ था और कहाँ अब खुद ही अपने बाल मेरा मतलब है दाढ़ी के चक्कर में उलझ गया था। इतने तो दाढ़ी के बाल भी नहीं चुभते जितनी कार्तिक की बातें चुभ गई थी उस दिन। खुले हुए बर्तन में पानी लेकर गैस पर रखें। कितना लेना है वो तो पढ़। कोई दाल थोड़ी ना बना रहे जो नाप तोल कर पानी लेगी। आधा कढ़ाई ले ले। आराम से मैं डाल रही हूँ, बताइयो कितना डाल दे। और डाल पूरा डाल दे। को अच्छे से उबलने दें और डब्बे का ढक्कन खोल के पानी में रख दें। ए, पूरा पड़ने तो दे। 10 मिनट तक डब्बे को पानी में ही रखें और 10 मिनट बाद पानी से निकाल कर तुरंत इस्तेमाल करें। ठीक है चम्मच चम्मच ये ले। हाँ
11:15 तक रुकना है। ठीक है। प्रीति कोई आ गया तो? सुई घुमाकर 11:15 बजा दूं? हाँ चल बैठते लगा। ठीक है ना, आराम से। यार काश स्कूल में एक चैप्टर वैक्स के बारे में पढ़ाया होता। इतने साल तक हमने अकबर और शाहजहां पढ़ा, वो तो किसी काम आया नहीं। कम से कम इसके बारे में पढ़ाया होता तो आज काम तो भी आ जाता ना। अब तो हो गया होगा ना। चाकर देख। क्या करे क्या करे? साफ करते हैं जल्दी से कपड़ा। काहे का पढ़ाना, पहले कुछ सोच। वहां से मम्मी आ गई ना तो हमें दीवार से चिपका देगी, तो जल्दी साफ करना। भगवान झूठ न बोले, लगता है मैंने सपना देखा था। भाई बहन शायद इसीलिए होते हैं कि आपके कारनामों के सारे सबूत, उंगलियों के निशान, हर एक धब्बा साफ करने में वो आपका साथ दे सके। अब मेरी बहन प्रीति ने तो शायद अपनी लाइफ का मिशन ही बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। पिघले हुए मोम की तरह मेरे साथ चिपक कर रहेगी और मेरे गुनाहों को घिस घिस कर साफ करती रहेगी। पंडित, ओ दाढ़ी, आइडिया। टेंशन है बाल। वाकई उस दिन इस शब्द ने जीना मुश्किल कर दिया था मेरा। नैना के जा नहीं रहे थे और मेरे आ नहीं रहे थे। कहां मैं सोच रहा था कि नैना का कॉम्प्लेक्स दूर करूंगा और कहां मैं खुद ही इस कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया था। हट रहा, हट रहा, हट रहा, हट रहा, हट रहा, हट रहा।
हटना। हट इधर हट। अरे अरे भाई तुम हट। अरे यार बहुत मस्त लग रहा है समीर, देख तू देख तू देख तू देख तू देख तू। अरे यार समीर जच रहा है यार तू भी। अरे ऐसा लग रहा है मैंने प्यार किया का सलमान खान हीरो फिल्म का जैकी श्रॉफ बन गया। जी हाँ कॉम्प्लेक्स, मुझ जैसा लड़का जो दिल्ली के अनजान लड़कों को भी इंप्रेस कर सकता था, वो लड़का कॉलेज में जाते ही कॉम्प्लेक्स में आ गया था कि कॉलेज जगह ही इतनी अजीब होती है, सबको कॉम्प्लेक्स दे देता है और हर कोई उस दुनिया में फिट बैठने की एक दूसरे से बेहतर बनने की रेस में लग जाते हैं। स्कूल में कभी ये फीलिंग नहीं आती, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कॉलेज में कदम पड़ते ही एक रेस शुरू हो गई हो जीवन की। एक तरफ नैना इस दुनिया में फिट होने के लिए नए नए रूल्स तोड़ रही थी और दूसरी तरफ मैं कार्तिक की बातों में आकर खुद को आईने में घूरते हुए अपनी आंखें फोड़ रहा था। पता नहीं क्या कर रहा था मैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.